रुकार टिप्स एंड सॉल्यूशंस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अक्सर GLI, XLI और टोयोटा के जितने भी मॉडल्स हैं तकरीबन इनका जो है ना फ्यूज़ बॉक्स सेम होता है, और रास्ते में चलते चलते अक्सर इस तरह होता है कि चेक इंजन की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और चेक लाइट ऑफ होने की वजह से गाड़ी बंद हो जाती है, इग्निशन नहीं आता। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो चेक करने वाली ये होती है, अगर रास्ते में आप फंसे हुए हों तो सबसे पहले इस फ्यूज़ बॉक्स में जो है ना आपने फ्यूज़ देखने, लेकिन कौन से फ्यूज़ देखने हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप फ्यूज़ बॉक्स के जो है ना इस पैनल के ऊपर आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसमें कौन कौन से फ्यूज़ जो है ना वो EFI के हैं, मतलब चेक इंजन के जो हैं। सबसे पहले जो है आपके सामने यहाँ पर आएगा EFI नंबर 1 और EFI नंबर 2, ये दोनों फ्यूज़ जो है ना चेक इंजन के हैं। सबसे पहले आपने ये फ्यूज़ चेक करना है और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर मेन EFI का जो है ना एक फ्यूज़ है, ये 20 एम्पेयर का, तो इसको भी आपने चेक करना है। अगर इसमें से कोई भी फ्यूज़ जो है ना वो उड़ गया है तो उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, चेक इंजन की लाइट नहीं आएगी। और इसी तरह इग्निशन का जो है ना 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है। अब इस पैनल को तो हमने देख लिया, लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि अक्सर फ्यूज़ बॉक्स को देख के जो है ना लोग परेशान हो जाते हैं कि जी इसमें से कौन सा फ्यूज़ होगा जो कि हमारे काम का होगा और जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मेन फ्यूज़ की तरफ जाते हैं। मेन फ्यूज़ यहाँ पर ग्रीन कलर का होगा 20 एम्पेयर का, यहाँ पर एक पैनल बना होगा और यहाँ पर 3 फ्यूज़ होंगे मेन, उसमें से जो है ना 20 एम्पेयर का फ्यूज़ और 15 एम्पेयर का फ्यूज़, ये ब्लू कलर का फ्यूज़ और येलो कलर का फ्यूज़, 15 और 20 एम्पेयर का जो है ना ये इग्निशन और EFI मेन का है, चेक इंजन लाइट का है और इग्निशन का है। अगर ये उड़ जाएँ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और इग्निशन भी नहीं आएगा। इसके बाद और मज़ीद फ्यूज़ के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि EFI नंबर 1 और EFI नंबर 2 जो है ना 10 एम्पेयर के दो फ्यूज़ होंगे जो कि इस पैनल में यहाँ पर होंगे। 10 एम्पेयर का ये फ्यूज़ और 10 एम्पेयर का ये फ्यूज़ जब आप मेन फ्यूज़ चेक कर लेंगे, इसमें से कोई भी फ्यूज़ उड़ा हुआ होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। रास्ते में चलते चलते कभी अगर ऐसा हो तो सबसे पहले जो है ना ये टोयोटा करोला XI, GLI, 2NZ, F1 और इसी तरह IS, टोयोटा IS और iRoof का जो है ना पैनल तकरीबन सेम होता है, तो इस तरह कीजिएगा। सबसे पहले इस फ्यूज़ बॉक्स को चेक कीजिएगा ताकि आपका मसला हल हो, और अगर किसी भाई का मसला हल हो जाए तो दुआओं में याद रखिएगा। कार टिप्स एंड सॉल्यूशंस आपसे इजाज़त मांगता है, बहुत बहुत शुक्रिया।